हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप यू ऑल आर फाइन सो टुडे वी प्रोसीड विद आर चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सो टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिस्क्राइब करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है किस तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करते समय हम कहते हैं कि अगर हम किसी मेटल रॉड को लें और उसको उसी सॉल्यूशन में डिप करें तो देयर मे बी ऑफ थ्री पॉसिबिलिटीज फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे जो आयन है इस मेटल रॉड से टकराए और सिंपली विदाउट रिएक्टिंग डिफ्लैक्ट हो जाए इन सेकेंड कंडीशन ये जो मेटल आयन सोल्यूशन में प्रजेंट है ये इस मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन ले ले और मेटल रॉड बना दे। थर्ड कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो मेटल रॉड है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस मेटल में चली जाए तो फर्स्ट कंडीशन में देयर विल बी नो चार्ज बिकॉज नो रिएक्शन इज हैपनिंग हियर। इन द सेकंड कंडीशन व्हाट इज हैपनिंग इस मेटल सॉल्यूशन से मेटल आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है फ्रॉम दिस मेटल रॉड सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी एंड देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल है मेटल रॉड है इस कंडीशन में क्या होगा इट इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर क्या होगा मेटल रॉड अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है तो इसके पास हायर टेंडेंसी होगी टू गेट ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एंड हेयर विल बी एन नेगेटिव चार्ज दिस इज वाई जो एनोड होता है हमारा वहाँ पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पर तो ये हमारी तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड ड्यू टू दिस कंडीशंस दे आर सम चार्ज इज क्रिएटिंग हेयर लाइक पॉजिटिव नेगेटिव तो ये चार्ज सेपरेशन हो जाता है यहाँ पे और इस चार सेपरेशन की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं वी से दैट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल एंड इट साइन इन द सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ये हमारा क्या है ये जो सेटअप होता है मेटल और मेटल आइंस के बीच में इसी को हम क्या कह देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देते हैं या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी सब uh, किसी भी सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट कॉन्टैक्ट व्हेन इट इज़ इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन सो दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आपको इससे इस डायग्राम से, से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है अब इसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये दो तरीके का होता है एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल अगर किसी हाफ सेल में आ, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस पर जो पोटेंशियल जनरेट होगा दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और अगर रिडक्शन हो रहा है तो दैट विल भी रिडक्शन पोटेंशियल तो ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है इसके लिए हम एक रेफरेंस यूनिट लेते हैं जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने देख लिया रिडक्शन पोटेंशियल देख लिया एस एच ई यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमें अभी हम देखेंगे इससे पहले एक टर्म आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी फॉर बिकमिंग स्टैंडर्ड तो उसके लिए क्या कंडीशंस होती है हम कहते हैं इसके लिए कि जो मेटल रॉड है जब हम इसको इसी के सॉल्यूशन में सस्पेंड करते हैं और यहाँ पे जो सॉल्यूशन लेते हैं उसकी कंसनट्रेशन हमने ले ली है वन मोलर यानी कि वन है और टेम्परेचर हमने रखा है टू नाइन्टी एट कैलविन देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ई नॉट वहीं पर अगर हमने कहा कि हमारे पास एक गैस है इंस्टीड ऑफ द मेटल रॉड गैस है तो हम यहाँ पर टेम्परेचर 298 नाइन्टी रखेंगे और प्रेशर ले लेंगे हम गैस का वन ए तो वन ए प्रेशर लेंगे तब तो हम कहेंगे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इट इज़ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने समझ लिया होता क्या है दो तरीके का है स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्या होता है अब हमारे पास ये बात आती है कि इसको मीज़र कैसे करें किसी भी सेल के लिए या हाफ सेल के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मीज़र किस तरीके से किया जाए तो यहाँ पर इसको मीज़र करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड यूनिट ले लेते हैं या फिर एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले लेते हैं एंड दैट रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज़ नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको शॉर्ट में एस एच ई या एन एच ई कह देते हैं अब बात आती है एस एच ई और एन एच ई को रिप्रेजेंट एस एच ई और एन एच ई को एक्सप्लेन करने की ठीक है यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हमने एक कंटेनर लिया एक बीकर लिया इस बीकर में हमने हाइड्रोजन कंटेनिंग कोई सोल्यूशन डाल दिया है यानी कि कोई एसिडिक सोल्यूशन ले लिया है और वन मोलर लिया है स्टैंडर्ड कंडीशन पर ले रहे हैं हम टेम्परेचर हमने टू नाइनटी एट रखा है वन मोलर सोल्यूशन लिया यहाँ पर हमने एक इन्वर्टेड फनल रखी हुई है जिस पर एक इस तरीके से इवैक्यूट प्लेस है जहाँ से हम H2 गैस इसमें डाल रहे हैं अंदर और इसी के साथ यहाँ पर हमारा बीच में एक हमने क्या करी है इस तरीके से वायर लगी लगाई है और नीचे हमारे पास क्या है ये कॉपर नीचे हमारे पास है प्लैटिनम फॉइल प्लैटिनम फॉइल जिस पर प्लैटिनम ब्लैक से कोट किया गया है प्लेटिनम ब्लैक से कोट किया है अब देखो यहाँ से एच टू गैस जब यहाँ डाली जाएगी देन दिस गैस विल एब्जॉर्ब ऑन दिस प्लेटिनम ब्लैक कोट ठीक है जो प्लेटिनम ब्लैक है हमारा उस पर ये एच टू गैस एबजॉर्ब हो जाएगी और जब H2 टू गैसेस पर एब्सार्ब हो गई तो H2 टू गैस यहाँ आ चुकी है सोल्यूशन में हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है अब हम ये देखते हैं कि रिएक्शंस यहाँ पर क्या होती हैं कौन कौन सी रिएक्शंस यहाँ पर होती हैं तो ऐसे चीज में एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड की जो रिएक्शन होगी इट विल बी H2 will give 2H positive plus 2 electrons. Cathode पर ये होगी 2H positive plus 2 electrons give H2 gas. Cathode पर reduction हो जाएगा. इसको हम किस तरीके से represent करते हैं? We represent Pt क्योंकि यहाँ पे हमने platinum की foil ली थी. Comma H2 यानि कि H2 gases पर adsorb. है slash जो इनको differentiate करेगी. एच पॉजिटिव जो भी कॉन्सेंट्रेशन हमने इसकी ली है उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे और फॉर कन्वेंशन हम क्या करते हैं जो हमारा एस एच ई है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वोल्ट ले लेते हैं मान लेते हैं वी टेक द स्टैंडर्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो एट टू नाइनटी एट टेम्परेचर अब ये हमने क्या किया ये जो सेटअप हमने लिया है जिसकी वैल्यू हमने ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो ली है अब हमें पता है जो सेल का ईएमएफ आएगा यानी कि जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है इट इज़ द सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका जो सम होता है वो क्या होता है हमारा ई एम एफ हो जाता है यानी कि सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है तो ये जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अगर हम इसमें से एक को किसी मेटल इलेक्ट्रोड से जोड़ दें और दूसरा हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू तो ज़ीरो वोल्ट है तो जो जो भी हमें जो भी हमें वोल्ट मीटर पर रीडिंग मिलेगी दैट विल बी फॉर द कंसर्नड इलेक्ट्रोड तो उस इलेक्ट्रोड के लिए हो जाएगी जिस इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीज़र करना है तो यहाँ पर जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम जैसे सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया जैसे हमें जिंक जिंक आयन का यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है जिंक का तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हमने एक साइड लगा दिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक साइड ले लिया जिंक हाफ सेल इन दोनों को वायर से जोड़ दिया इलेक्ट्रॉन्स हमारे एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगी पूरा सिस्टम वैसा ही लिया है बस इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से इनको अरेंज किया जाता है विच इज़ मोर रिएक्टिव विल बी टेकन एज एनोड लेस रिएक्टिव एज कैथोड ये हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे कि किसको एनोड और किसको कैथोड ले लेंगे अब यहाँ पर इस वोल्ट मीटर पर हमें जो भी रीडिंग मिलेगी दैट विल बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस जिंक रॉड और जिंक पर क्या हो रहा है एनोड है तो ऑक्सीडेशन तो ये जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा इट विल बी द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसकी जो वैल्यू हमें मिलती है दैट इज जीरो पॉइंट सेवन सिक्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जीरो पॉइंट सेवन सिक्स हमें इसकी वैल्यू मिलती है अब इसके बाद इसके बाद हम ऐसे ही देखते हैं फॉर द कॉपर कॉपर के लिए हमने क्या लिया यहाँ पर भी हमने दो हाफ सेल लिए हैं एक तरफ हमने लिया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दूसरी तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड नाउ इन दिस केस कॉपर इज लेस रिएक्टिव दैट हाइड्रोजन सो ये कैथोड की तरह काम करेगा हाइड्रोजन एनोड की तरह काम करेगा अब आ, जो कॉपर है हमारा इट इज इट विल बिहेव एज कैथोड कैथोड पर रिडक्शन होता है तो यहाँ पर जो भी वोल्ट मीटर पर हमें रीडिंग मिलेगी दैट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस कॉपर एंड दिस इज दिस कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी वैल्यू हमें मिलती है ज़ीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट ऑफ एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड किसी भी इलेक्ट्रोड का हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं बाय दिस मेथड बाय टेकिंग द रेफरेंस यूनिट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेके हम किसी भी सेल का क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं अब किसी हाफ रिएक्शन में किसी भी हाफ रिएक्शन में वी से दैट कि जो हमारी हाफ रिएक्शन होती है उसमें जो रिडक्शन होता है इट इज़ जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन देन वी से दैट कि अगर रिडक्शन हमारा ऑक्सीडेशन के जस्ट अपोजिट होगा तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल होता है इट इज इक्व टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो भी रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसी के जस्ट बराबर होगा लेकिन अपोजिट होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है तो रिडक्शन पोटेंशियल विल बी जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल द वैल्यू विल बी सेम बट साइन विल बी इनवर्स साइन क्या हो जाएंगे हमारे अपोजिट हो जाएंगे तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जीरो पॉइंट सेवन सिक्स ज़ीरो पॉइंट सेवन सिक्स तो ये हमारा क्या है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स ये इसका क्या हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें अगर हम जैसे कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल है इसका जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती है बट साइन इसमें बदल जाते हैं रिवर्स हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं अब नेक्स्ट हम बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो एक हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है सबसे पहले हम इस ईएमएफ को समझ लेते हैं ईएमएफ क्या है हमारा जो भी हमारी सेल होती है वो दो हाफ सेल से मिलकर बनी होती है जिसमें से किसी एक का ज़्यादा पोटेंशियल होता है और दूसरे का कम होता है जिससे कि यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है और उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर मीन्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल तो हम कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल इज़ नोन एज सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कह सकते हैं तो यहां पर जब हम इसके डिफरेंस को देखते हैं तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही आ गया कि जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स अंडर एनी कंडीशन ठीक है तो ये हमारे किन्हीं दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है अब इसके बाद ईएमएफ को हम पोटेंशियो मैट्रिक मेथड से मीज़र कर सकते हैं इसको नहीं मेजर किया जा सकता है इसको सिंपली वोल्ट मीटर से मेजर किया जा सकता है ईएमएफ मैक्सिमम वोल्टेज इसकी ऑप्टेन होती है फ्रॉम द सेल और पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन The maximum voltage obtained from the cell. EMF is responsible for the flow of steady current, whereas this potential difference is not responsible for this steady current in the circuit at all. So, these are the differences between EMF and potential difference. So, students, this is all about today's uh, lecture that is electrode potential. In the next video, वी विल लर्न अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे तो आज हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझा क्या होता है किस तरीके से इसको मीजर किया जा सकता है इसके टाइप्स क्या हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे एंड आई वॉन्ट टू से थैंक यू And like the video, comment, share, and subscribe my channel. And for notifications, please press the bell icon. Thank you so much.